हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सुषमा यादव ब्लॉग। तो भाई हम आ गए अपने घर, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था। और सारा काम हो गया है और अभी फिलहाल बन रहा है खाना। ये रोटी बन रही है और इसमें आलू बॉईल हुए थे, तो बच्चों ने बोला था आलू के पराठे, पर जी जी बोली कि नीचे कढ़ी बन रही है तो आलू पराठे हम शाम को बनाएंगे। ठीक है, तो अभी कढ़ी और रोटी खाएंगे। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है इस वाली गैस पे। और देवांश क्या? अच्छा, वॉक फूड रहे तिस... खेल रहे हैं ना। अच्छा खेल रहे हैं आप, अच्छे बच्चे हो ना। मैं तो पढ़ाई कर रही हूं, मैं बस तो बुआ जी के जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो भाई ये अपना काम कर रहा है और रुद्र नीचे है, तो वो फोन वगैरह देख रहा होगा ना, तो इसलिए कह रहा है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और भैया अपने आँखें खोल रहे हैं। और आज रुद्र जाएगा अपनी बुआ जी के साथ उनके घर पे, और जाने की तो देवांश भी जिद कर रहा है, बट नहीं इसको नहीं भेजेंगे क्योंकि फिर मेरा मन नहीं लगेगा अकेले भाई, क्योंकि पहले ही थोड़ा उदास उदास सा लग रहा है क्योंकि वहां से आए हैं इतने दिनों में ना। तो और देवांश को, तो देवांश कैसा घर लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद में? घर थोड़ा छोटा सा लग रहा है। छोटा सा लग रहा है, बेड भी छोटा सा लग रहा है और भी साइकिल बड़ी हो गई। साइकिल बड़ी हो गई, देखो वहाँ पे बड़ा बड़ा घर था तो अब इस घर में आ गया तो ये छोटा लग रहा है इसको, और वहाँ पे छोटी साइकिल थी तो आके यहाँ कह रहा है कि मेरी साइकिल बड़ी हो रही है। इसका मन नहीं लग रहा क्योंकि अभी सुबह भी नहाते के साथ कह रहा था आज मैं किसके साथ जाऊंगा गाय को रोटी खिलाने, मम्मी के साथ जाता था ना, तो ये सबसे ज्यादा मिस कर रहा है अपने मामा के घर को, है ना देवांश। मंदिर से मैं आ चुकी हूँ और अभी बस खाना बन रहा है, खाना बना लेते हैं। ये अभी नहा के गए हैं जस्ट अभी, और तो चलिए फटाफट खाना बना के और फिर मिलते हैं। ठीक है, आज जीजी भी अपने घर चली जाएगी तो फिर दिखाएंगे बाद में। खाना हो गया रेडी और बेटा मेरा खा रहा है, देवांश ही खा रहा मेरा खाना वहाँ पे है। ये मेरा खाना, कड़ी रोटी और खीरे अभी ख़त्म है, तो आज बोलूँगी इनको आज ला के दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम फटाफट खा लेते खाना, खाना खाने के बाद में और फिर थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे, या तो मैं नीचे जाऊँगी, नीचे जाऊंगी मैं ही थोड़ी देर, पर नीचे ना पापा होंगे बट देखेंगे, या तो मैं नीचे जाऊंगी या फिर उन लोगों को ऊपर बुला लेंगे, है ना। फिर तो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। चलो भाई फाइनली मेरा बैग आ गया है घर पे, और रुक जाओ दिखाऊंगी इनका तमाशा के पहन लिया। तो अभी यमन और तुषार ले गया, मम्मी ने वहां से तो भेज दिया था, कल हम तो छोड़ आए थे, पर ठीक है आ गया, इसी का वेट था क्योंकि हमारी सारी चीजें तो मेन जो चीजें वहां से लेके आए थे वो तो रह गई थी, जो अपने घर से लेके आए थे वो हमारे साथ ही आ गई वापस। ठीक है, तो अभी ओपनिंग करेंगे, हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। चलो अभी दिखाते हैं, आ जाओ तेरी मिल रही थी वहाँ 30-30 रुपया में, 100 रुपया में 5 लेकर आया था। कितना की मिल रही है सारी चीज़? हाँ उस वाले में छवि जैसी है से। ये
ऐसी तो छवि की ऐसी तो पहन रही है कल छवि ऐसी कलर सीन का बस ये वाली ये मेरी फेवरेट चप्पल है भाई, ये मुझे बहुत बढ़िया लगी। जैसे पैसे खराब ना हो कहीं पे, तो सामान है जो होना है जो होना है मार रखी गई हूँ। और ये वाला स्लीपर देखो दिख रहा है, ये ना और ये है कितना का 200 रुपया, सही है ना 200 रुपया का, जब 10-20 दिन भी चलना तो बस है ना। और ये चाहिए, ये तो चप्पल है और लिपस्टिक है, मैं दो आपकी दो चीज कितना दिए बच्चों, ये वाली हमारी मम्मी ये वाली लगाती है जो इन माते एक मैं ले जाऊंगी। हां आप ले लीजिए, ये मेरा मम्मी कितना दिए 750 ये मेरा फैन है। वैसे तो बढ़िया लग रहा, फिट आ रहा कभी सही में, वैसे तो बढ़िया लग रहा फिट आ रहा के हो रहा, मतलब काक मरते ना कैड होए पेट पे भी ठीक है। एक से मैं ऐसे ही बता लिखा है वह कुक कथी पूरा वाइट, तो लेवल तेरी किस्मत खराब है, अब हम के घर से काम तो दे देता नहीं तो आते तो अब हाँ ए या चादर एक या भी चादर है, ये दो गत्ते लेकर आया तेरी बाड़ी तो बतेरी ले बता बता ये हमारा। अच्छा एक ही सूट है, हाँ ये सूट है सारे ही डर बैठ रही थी मुँह ना दे भैया मैं कुछ देखा ये अभी ने तो कर दी मना, ये तो यूँ कह रहा है कि वो सूट होगा था ना, अगर तू 100-100 का पैरेंट जो गया 100-100 का ही पैरेगा ये तो दिवा दे तो अपना पैर को काटना चाहिए ना भाई। ये पूजा सेम यू है डिजाइन वो ब्लैक दिखे बस फर्क कितना हां ये पूरे ब्लैक हो गई ग्रीन की जगह है ना। ब्लैक मैच नहीं इनकी जगह में भाभी जो रेड रेड है मैं ग्रीन ना ब्लैक का जो चीज हो गई अच्छे था बस रोक दो और कहीं अरे नहीं सिलवाए तो यहाँ जी जिनी सिल के फिर जिनीता लेगी थी यो तो मैं यहीं तरह के गई थी कि जैसे कभी जानो पड़ जाए कहीं ऐसी जगह तब ना पैंट है कि सेम कलर की दुपट्टो डार्क पिंक है और यो भी सिलवा के लेगी थी यो भी मस्त है ऊपर
पैंट के ऊपर ये पान का पत्ता था, पर वे आया ना। चुन्नी तो इसकी है जो मैं कल पैर गई थी। बधेरी अलमारी खुलागी ना कती सामने, एक तो वो वन पीस तो होगा ब्लू सो रेल वाइस रंग को सामने रखे, ऊपर एक दुपट्टा क्रीम सा कलर को नयो सो वो ले कब आके। ये चप्पल एम तो वे पिंक वाली हुई है ना, ठीक है भाई। एक वो अफगानी है, हाँ प्लाजा वाली दूसरी बनवा रखी है या वैसी है, हाँ सलवार टाइप की ऊपर प्लेट पड़ा है ना। हाँ यह वाली, अरे एक वन पीस और होएगा वहाँ रेल वाई कलर को कुर्तो सो। हाँ 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 एक ही है। मैं वह ऊपर पैर गई थी तब चल गई थी, जब कई दिन को जुगाड़ हो गई दवाई ढूंढूंगी मैं। एक महीना निकले बास्केट में ना, हाँ एक या वही शॉर्ट जो कल देखी होगी ना आपने। हाँ पानी बर्फ काट दूंगी तो एक वो, हाँ एक और बनवायो ऐसे ही, जो तो रेडीमेड थो बढ़िया मुंडा उठ तो मैं पैर के देखा एक बार अच्छा लगे तो और बनवा लें टाल बढ़िया लगे। एक वो थान को कपड़ो थो ना, एक थान का कपड़ा को बनवा रखे है वो जो आप लेकर आई थी उस दिन दिखाए पूरा। हाँ वो वाला वो भी बहुत सुथरा लग रहा पैर ना बाद में, नीचे तो कुछ भी पहन लो रेल वाई कलर को ब्लैक में। मेरी याद ही ना रही, खोलो ना थोड़ा बैग जब करके। हाँ दे ऊपर आने जाओगा सही। एक चप्पल होगी ना वे पिंक वाली, हाँ चप्पल मेरे तो पूरा ती पेट भरा है बोड़ा तो लिखा ने जब ऐ दुकान पर तो बड़े बड़े चप्पल मिले। ये लेकर आया था रेवाड़ी दे वे जूती सी थी ना पिंक कलर की, और वह पिंक कलर की वह वे सारी वे सही थी है। नौकर भेजे चार बने दे दिया जवाब, मेरे पिंक कलर की साड़ी खराब हो गई बोले काटी है पहले छोटी सी। हां सही है अनु कर कहते मेरे पिंक कलर की साड़ी खराब हो गई बात बात भी नहीं कर रहे खराब आज तेरो तेरो हैं अब तो वो कुत्ते कुत्ते है तू नाचना है बदे तू ना अपना डांस ना दिखायो मैं आज डांस नहीं क्यों ओके क्या ना नाचे है एक बार अपने जीजी की मैं रखेगी ना बेरो कितना की आई है आप लगानी लगा लो ठीक है तुम भी पहला दियो छवि के ब्याह छवि का ब्याह अच्छा। यो देखो खोल गई हो मस्त लगे हूँ तो लगता है एक एक ही पीस तो जीजी अर्की ने अब लाती फिर सारे की राड़ पड़ रही थी पर छोड़ ही दियो चलो। कलर भी अच्छा डिजाइन भी बढ़िया सो है अब यो तो 1250 1205 हाँ तो ऐसे ही तो 1250 1205 चलो भाई आगो बैग भी जब अपना लग कपड़ा आ गए तो थोड़े जी शांत तसल्ली होगी वरना एक हफ्ता फूक के बैग कुछ मिल तो ना तो के फायदा फिर है ना। कितना जी चढ़ है हाँ हाँ मैच हो रही पेट पापन। अरे वाह अपने घर में घुसा नई नई चीज दिखाने मिले तो ना आकी थी तो आया अरे फिर अगर पुराना ही पुराना हाँ ये भी हो जाएगा। ये तो बदेर नु कह रही मैं लेकर आई थी अपना
फिर तो वह की सासू ससुर ने बोली ना एक एक मत पैरी कर, फिर उन्हें कड़वा दिया तो उन्हें बोल तू पैर ली मैं ठीक है, पर इनका तो नज़र बहुत जल्दी हुए। मैं तो एक बार और पैरा जब भी है ना, जब भी हो जाए थोड़ा सा अगर किसी ने भी नू कर दी ना सुतरा लग रहा जब भी कटक दे सोचे अपना मम्मी वाली बात क्यों करो आप भी, मम्मी ने कह रही जिस पहले कालो टिको लगा कालो ही कर लिया तो फिर फैशन के रह जाएगा न कह रही पहले अपना कालो टिको लगा लिया करो। हाँ पैरों जो है ना वो लगातार कुआ पे मारे इतना पैरा कोई भी ना उसके पास चली हो ना वहाँ बी करके गई थी। सही है करना चाहिए वैसे, मेरे तो सही में सूट आ गया बहुत है, जो सूट मुन्नू उस दिन देख वो वह साड़ी पैर गई वह पहली प्लेट पर तो जो मामा पैर गई थी वो ब्लाउज तो ब्लाउज हो रहा था चढ़ू कंधा पर और गए, पर मैं तो ठीक करूंगी पीलिया पालिया पे चलो वो पर हुई हो ऐसी जगह पल्लो ना लगे उस पर पल्लो ना आवे मतलब यहाँ सीते नू हुए सामने दिखे वो नू लगे मेरे सूट भी घना ही खराब होगा बेबी बाय 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 तू तो आएगा यहीं पे हाँ जो जो जा रहे वो करो चलो बाय। चलो भाई आज हम जा रहे हैं जीजी को छोड़ने और जा कौन कौन रहा है, जो जो जा रहे हैं वो तो कम है जो छोड़ने जा रहे हैं वो जाता है, गिनवाते हैं देखो ये मैं हूँ ये पापा हैं ये बाजी हैं ये साहिल है ये सृष्टि है ये रुद्र भैया हैं ये बतरी जी। हाँ अब जा कौन कौन रहा है, जा बस रहे हैं जीजी साहिल और सृष्टि और रुद्र रहने के लिए जा रहे हैं थोड़े दिन के लिए और मैं ये भाई इनका जाना जरूरी था क्योंकि ये नहीं जाते तो ना जीजी जाते ना हम जाते ठीक है, और मैं फालतू फंड में आई हूँ, देवांश भी फालतू में आया है और इधर बतेरी भी फालतू में आई है हम सारे ऐसे लटक लिए ठीक है, और ये तीनों अपने चारों बुआ भतीजी जाएंगे अपने घर पे, ये पांच चल जाएंगे मैं घर पे अकेला पड़ा रहा हूँ। नहीं रे दीदी है ना तेरी दीदी है तेरे साथ खेलने के लिए, तो भाई अब ये रह के आएगा फिर थोड़ी दिन क्या परसों ही चल वो तो कल चल जाएंगी क्या परसों चल जाएंगी वो तो कौन बतेरी दीदी हाँ। नाम भेजेंगे नहीं जब तक रुद्र नहीं आएगा। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं ना भाई, अब फिर भैया आ जाएंगे जब तक दीदी रहेंगी फिर दीदी चली जाएंगी जब भैया आ जाएंगे तब तक ठीक है, तो अब जीजी को छोड़ आते हैं और इस बार मैं सूट पहन के देखो सबका क्या रिएक्शन रहेगा। दीदी कुछ खेलती नहीं है खेलेंगी है ना, क्योंकि हम ऐसे उठे हैं हमारा कोई मूड नहीं था मतलब मन तो सुबह से था कि चले चले, फिर मैं सोचा पता नहीं कभी मना कर देगी है ना तू क्या करेगी, पर इन्होंने खुद ही बोल देगी तू भी चल क्या करेगी अकेली बैठी बैठी, इसलिए तो अभी चलो वहाँ पे चल के दिखाएंगे क्या कर रही होंगी मौसी वगैरह और सब लोग सोचेंगे तो सही है। एक बार आप जाएंगे तो आपको एक नया मेहमान मिलेगा, एक क्यों मिलेगा बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि जीजी की ननद भी आई हुई है ना तो बच्चे बच्चे सब होंगे वहाँ पे बहुत सारे मेहमान मिलेंगे, बस सोचने की बात ये मुझे तो ये हो रहा है कि ना वहाँ जाके सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे कि मतलब इससे अच्छा तो हमें अपने बच्चों के लिए हमें अपने बच्चों के लिए आते इतने सारे जने है ना, सही है ना ठीक है भाई, तो चलो वहाँ पहुँच के फिर मिलेंगे रस्ते में, मतलब रस्ते में नहीं उनके घर ही मिलेंगे, रस्ते में क्या मिलेंगे और मिलवाएंगे वहाँ मौसी वगैरह सबसे मुझे पता है जिस कॉलेज से गई वो
पहली बार ऐसा रास्ता तो मतलब शायद ही से ना पता हो। हाँ जब पर भुआ हुआ काम का या बुआ दादा मन का सबका गया था हम। अच्छा। तो पर आता आती आनी मैं कह रहा हूँ यहाँ ले लो उनका डोंट वरी जीजा मुझे पता है आई नो मुझे पता है ऐसा पता चलो कहाँ भिजवा दिया तो मैं बीच बीच जाकर खड़ा कर दिया सारा ऐसा उनको डोंट वरी देखो पता वरी सब है आप ऐसा काम भी कर दिया उरे चुप तो कर एक बार। हाँ सही है जीजू लेकिन पापा जीजू मुझे अलर्ट कर रही है मैं इनके साथ कभी भी अकेले ना निकलूं क्योंकि पापा इसके लायक है। क्यों उस दिन तो रियल टीम में एक्सीडेंट होता तो बचा था मर जाता मैं तो पति का भी मैं तो कहीं तेरा आंख भी ना खोले और ये तो सारा मुझे देख देखा सर और हमने फॉर्च्यूनर ना लीवा बेच के ली थी आ गए जीजी के घर के रास्ते पे तो लली तर को कर सुनने पर आज मैं नागपुर वाली में ना बता रही थी। ये देखो सारे के सारे बच्चे आ गए। हाँ गाय खड़ी है सामान लेके अरे चला ना फिर भी ना मौसी रोटी ना खावा रोटी हम बाय जियांश बाय बाय आ तू चला मामा के आजा आजा हमने अपना बेटा छोड़ दिया थार बेटा ले जाऊं चला जियांश चला भाई चला चलो आदर पापा के पास छोड़ देंगे आजा ना ठीक है साहिल बाय मेरे बेटा को मारी मन्ना मारा गो मार ली भी थारे घरे भी थारा वाले मारो पिटो कुछ भी करो बाय बाय मारन देगा जब ना है मारन देगा जब या भाई की कदी लोड दिया आखरी वो करेगी ठीक है जीजी बाय बाय चलो पर आजा आ तेरे पापा के पास छोड़ दो आजा क्यों बाय बाय आ मम्मी का पल्लू छोड़ दे कर मम्मी की लोटी बन रही है तो कति आ चल आज आज शर्मा आ गई मामा ते चला भाई साहिल बाय बाय ठीक है भाई बाय 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 कितने पीछा निकाल लो जाएंगे ना कभी तो वहां पे भी मिलवाएंगे मतलब चारों के ही घर मस्त मजे आते हैं जब भी जाते हैं ना अच्छे से सब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं बहुत बढ़िया एकदम ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने घर फिर से और अब तो वहां जाके मन नहीं लगेगा बल्कि अपने घर पे है ना क्योंकि बच्चे भी सारे चले गए और कल तो आई तो यूं थी जीजी थी ना तो थोड़ा सही सा फील हो रहा था और अब एकदम सुना सुना हो जाएगा भाई ये तो अपने काम पे रहेंगे मैं और देवांश रहेंगे और सबसे बुरी बात कि मम्मी भी एक दो दिन में मामा के जा रही है फिर से और फिर तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा फिर तो हम ही दोनों माँ बेटे रहेंगे पर हम छोड़ने तो जाएंगे हम भी चलेंगे साथ ठीक है पापा भी जाएगा शायद मैं भी पापा भी जाएंगे तो क्या हम क्या भाई वैसे पर फिर भी हम भी चलेंगे पापा जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हम पीछे बैठ जाएंगे मम्मा, ठीक है मम्मा।